अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार। وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के ख़रीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिदिल जूदि वल करम व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत आप लोगों के जानिब से, कमेटी के जानिब से जनाब दानिश फुलपुरी साहब क़िबला और अबूज़र अंसारी साहब का महब्बतनामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके दायरे महब्बत अहमदाबाद सैयदपुर सैयदवाड़ा आया। माशाअल्लाह स्टेज पे आलमा, शोरा, कुर्रा, खुतबा, नुकबा से पुर ही नहीं कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ। आप देख रहे हैं मुल्क मिल्लत की चीदा चीदा उलमा इकराम जो उस्ताज़ुल उलमा भी हैं, उस्ताज़ुल फ़ुक़हा भी हैं, तशरीफ़ रखते हैं। और मैं फ़र्स्ट बार यहाँ आया, इसलिए अपने असलाफ को मैं बाय नेम नहीं जानता। बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ़ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब बहुत अच्छा है, जिंदाबाद, किसका नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब। अभी आपने मुझसे पहले शायर इस्लाम आबरू तरन्नुम जनाब सोहराब भाई देवरियाई को सुना और मुंबई अखलास नक़ीब अजलास हज़रत मौलाना कैसर आज़मी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं स्टेज पर, डाइस पर मुल्क मिल्लत के बड़े जय्यद उलमा जलवागर हैं और इनके अलावा भी दीगर उलमा शोरा कुर्रा हैं। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है और जलसा बड़ा ख़ूबसूरत है। थोड़ी से आप लोग अपने अंदर ज़िंदगी पैदा करें तो इंशाअल्लाह। मेरे बाद एक लंबी टीम है, बड़े बड़े शोरा हैं और एक आले रसूल की भी आमद है। माशाअल्लाह सब मेहमान खाने में तशरीफ़ रखते हैं। मैं एक आध शेर पढ़ रहा हूँ। यह आमद नूर का महीना है और अब तक चाँद बरकरार है, देखिए आप, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, एक मरतबा हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और ज़िंदगी पैदा करो भाई या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, देखिए आप, ये चमक दमक रमक किसके दम से है? शायर कहता है कि चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता। और ये शेर बतौर खास समाप्त करें, ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं, समाप्त करें कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, क्या मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। और इस कबीले का आखिरी शेर कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले बंद हो गए, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है, रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है, रजा के नाम का। MashaAllah, starting this point tonight, my topic Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mawghizatil hasana. Allah said in the Holy Quran, Allah Ta'ala Quran Pak mein irshad farmata hai, Ae Mahboob, bulaye logon ko apne Rabb ki raaste ki taraf हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह। कुरान पाक का अंदाज देखें, कुरान फरमाता है तो यूँ फरमाता है उदू इला सबील रब्बिक, बुलाएं लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। सवाल पैदा होता है, द क्वेश्चन रादर दैट इफ अल्लाह विल, अल्लाह चाहता तो यूँ भी इरशाद फरमा सकता था, ए महबूब बुलाएं लोगों को उनके रब के, उनके रब के रास्ते की तरफ, कायनात के रब के रास्ते की तरफ, ज़मीन और आसमान के रब के रास्ते की तरफ। तब भी तो बात वही होती ना, इसलिए कि जो उनका रब है वही तो मुस्तफ़ा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुस्तफ़ा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तज़ा का रब है। लेकिन कुरान ने यूँ अंदाज इख्तियार नहीं किया, कुरान फरमाता है तो यूँ फरमाता है उदउ इला सबील रब्बिक, बुलाओ लोगों को, बुलाएं लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। ऐसा क्यों? इसका जवाब आला हजरत देते हैं और फरमाते आए लोगों, शाने महबूबियत देखो, नबी की अजमत तो देखो कि अल्लाह ने अपने रुबूबियत की इजाफत और निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है, ऐ महबूब लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने। वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने। वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने। ऐ महबूब मेरी बैयत तेरी बैयत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मुताबिअत तेरी मुताबिअत से, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी फर्माबरदारी तेरी फर्माबरदारी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रजा तेरी रजा से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रजा चाहता है दो आलम, खुदा चाहता है रजा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की रजा बोलो, अरे बोलो ना। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और आगे देखें आप, हम अगर तारीफ करें, देखिए आप, किताब का नाम है अल मुस्नद, रवाहु अहमद वब्नु अबी शैबा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक रोज मैं वादिये बतहा में आराम कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान। ऐसे में फरिश्ते आए और फिर एक तराजू कायम किया गया। उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 10 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 100 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा इला आखिरी। अब रूहुल अमीन को कहने दो, लब उजिनतु दुनिया कुल्लुहा ला रुजिहा। अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, रिसर्चर, रिफॉर्मर, स्कॉलर, ओरेटर, मॉनिटर, शिलेडर, रिमाइंडर, कमांडर, मैसेंजर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशलिस्ट, नेमोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, इंडोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, मैथमेटिक्स, हिस्टेरियन, मिडेशियन, मिटेशियन, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बुलगा, खुतबा। गर्ज दुनिया के एक पल्ले में पूरी दुनिया हो, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो। सारी दुनिया मिलकर आमिना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उन ऊंचे से ऊंचा। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है वो ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखें आप नबी की अजमत देखें। दुनिया के सारे साइकेट्रिस्ट कहते हैं, माहिर नफ्सियात, नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपने बीवी का हीरो नहीं हो सकता। बाहर हीरो होगा, घर में जीरो होगा। लेकिन इसका जवाब कौन देता है? एक डॉक्टर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो एक किताब लिखता है मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो कहता है कि सुनो, याद रखो, ये जुमला पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। उसने कहा कैसे? कहा ऐसे, याद करो। किताब का नाम है अल-क़ौलुल बदी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं कि एक रोज मैं सहरी के वक्त कुछ सी रही थी, यानी कपड़े। क़ौलत अस-सय्यदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, कुन्तु खीतु बिहा थौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिल रही थी सहरी के वक्त। फसक़तत अनिल इब्रा, तो सुई गिर गई। फतलबतुहा, तो मैंने तलाश किया। फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई। फदखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने में रसूल पाक हुजरे में तशरीफ लाते हैं। फतबय्यनतिल इबरा, तो सुई मिल गई। कैसे? लिशुआए नूरे वजही, आपके मुस्कुराने से सारा कमरा रोशन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा झूम के सुभान अल्लाह का, हाथों को उठा के लहक के बोले, आपके मुस्कुराने से सारा कमरा रोशन हो गया। अब अलकौलुल बदी में हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, दुनिया वालों सुनो, लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फइन्न शम्स ततलु बाद फज्र व शम्सी ताले बाद अल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक हमारा सूरज है और एक आसमान का सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, अफजल है। क्यों? इसलिए कि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और देखें शान नबी की अजमत देखें, इंशाअल्लाह आप मौजूद होंगे। ये देखें आप, आपने सुन रखा होगा, आपने बाइबल का नाम सुना होगा तौराह का, कि इसमें रसूल पाक का जिक्र जमील है। और मैं भी बचपन से सुनता था, लेकिन तकाबुल आदियान के दौरान मैंने देखा कि उनके मिटाने के बावजूद भी अब भी वो मौजूद है। लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने आप, एक जीविश स्कॉलर वाज रीडिंग द तौरा पेज इन दिस होम। यहूदियों का एक आलिम अपने घर में रात में तौरा के सफे को पढ़ रहा था। बुक ऑफ डिटोर्नोमी, बुक ऑफ इस्तिस्ना, बाब नंबर 18, दर्स नंबर 18। जिस सफ़े को पढ़ रहा था उस सफ़े में रसूल पाक का जिक्र जमील था। खुशखबरी थी, बशारत थी। द मेंशन ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद वाज अ ब्यूटीफुल ऑन दिस पेज। द गुड न्यूज हैज बीन गिवन अबाउट अवर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैं तेरे लिए, तेरे माने, तेरे भाइयों में एक नबी मबूस करूँगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, वो वही कहेंगे जो मैं हुक्म दूंगा। अब देखें आप, ये बातें कहाँ पर है? बुक ऑफ डिटोर्नोमी, बाब नंबर 18, दर्स नंबर 18 में। अब इसको आप यहाँ रख दें, कुरान शरीफ को खोलें, 27वां पारा, सूरतुन नज्म, सूरह नंबर 53, आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो वही होती है। यहूदी जब तौरा के सफ़े को पढ़ रहा था, उसने देखा कि नबी पाक का इसमें जिक्र जमील है, तो तासुब में वो पन्ने को निकाल कर फाड़ देता है। अब सुने आप, ये पन्ने को इस तरह फाड़ दिया। अब यहाँ पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि उस जमाने में 40-50 गांव में एक किताब होती थी, क्योंकि किताबें बिकती नहीं थी, छपती नहीं थी, मिलती नहीं थी, कागज ही नहीं था। यहूदी लोग एक गांव से जाकर दूसरे गांव में वो पढ़ते थे। तो वो ये सोचकर वर्ग को निकाल दिया कि कहीं यहूदी लोग किताब पढ़कर उनका कलमा न पढ़ ले। अब आगे देखें आप, वो किताब फाड़ने के बाद उसके घर में कच्ची दीवार थी, ताक बनाता है, ताक बनाकर उसमें उस पन्ने को रख देता है, ऊपर से मिट्टी लेप दिया, हाथ को झाड़ा और जाके सो गया। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था, मुलाकात की गर्ज से निकल पड़ता है। जब उनकी बारगाह में हाजिर होता है तो अर्ज करता है समीअतु अन्नका इद्दाईतन नबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबुव्वत का दावा किया है। अल्लाह के रसूल फरमाते अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिद्दावतित तौहीद, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। इतना सुनना था तो उसने कहा इन कुन्ता नबीयन फाति बिदलील, आप अपनी नबुव्वत पर कोई दलील दें ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था, इस्लाम मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरा के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा के आ रहा है। इतना सुनना था, कदमे मुबारक पे गिर पड़ता है और पढ़ने लगता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आला हजरत बरेली से पुकार उठे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उसने कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं वर्ग को छुपा रहा था तो वहां तो कोई नहीं था, लेकिन मैं बाद में पहुंचा, खबर पहले पहुंच गई। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो दुनिया देखे आप, वो कलमा पढ़ता हुआ नजर आ रहा है एक यहूदी आलिम, लेकिन आज जो जाहिल अनपढ़ गवार है वो नबी ये पाक अय्यु उलमाइल यहूद। अब्दुल्लाह इब्न सलाम काना यालम कमा यालम कुल्लु उलमाइल यहूद सिफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलम्मा जाअ नबी मुहाजिरा मिन मक्का इला अल मदीना फइन्नहु सारा इला अन नबी व قال इन्नी साइलुक अन सलात ला यालमुहुन इला अन नबी। यहूदियों का आलिम, खुद आलिम, बाप आलिम, इसके साथ ही असद हुसैन। जब मेरे नबी मक्के से मदीने तशरीफ ले आए तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। उन लोगों ने कहा अरे जितने अंबिया आए हैं सब तो बनी इसराइल में आए हैं, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया। अब्दुल्लाह इब्न सलाम के पास गए और कहा एक काम करो, चलो उनसे मुनाजरा करते हैं, ये मक्के से मदीना कौन नबी आया है। अब अब्दुल्लाह इब्न सलाम बहुत बड़े आलिम हैं, तैयारी कर रहे हैं, तौरा में कभी किताबें हबकूक को देखते हैं, कभी मुकाशफा को देखते हैं, कभी अहबार को देखते हैं, कभी गिनती को देखते हैं, कभी जेनिसस को देखते हैं, कभी नंबर्स को देखते हैं, कभी लिफ्टिकस को देखते हैं। मैं उनसे पूछूंगा आप नबी हैं, इसका जवाब दें, आप नबी हैं, इसका जवाब दें, आप नबी हैं, इसका जवाब दें, आप नबी हैं, इसका जवाब दें। पूरे ऑल द वे, पूरी रास्ते थिंकिंग ऑफ आर्गुमेंट जो है, पूरे रास्ते जो है वो सवाल सोचता हुआ आ रहा है, ये सवाल करूंगा, ये सवाल करूंगा, तैयारियां चल रही है। लेकिन जब नबी की बारगाह में पहुंचता है, दूरी से चेहरे अनवर को देखता है, पुकार उठता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनके साथियों ने कहा अब्दुल्लाह इब्न सलाम, तू तो आया था मुनाजरा करने, अता अब्दुल्लाह इब्न सलाम लियुनादिर वलाकिन लम यतलब अद-दलील व लम यस्अल शै लिमाज़ा नतक़ अश-शहादा। तू तो आया था मुनाजरा करने, कोई मुनाजरा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं, कलमा क्यों पढ़ लिया। इतना सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो, जब मेरी नजर इनके चेहरे पे पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा कि इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के रसूल है। अब मैंने पढ़ लिया कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। आला हजरत बरेली से पुकार उठे लम याति नज़ीरु कफी नज़रीन मिसले तु नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको ऐ शहे दूसरा। बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लग के बोले सुभान अल्लाह। ये तो 1400 साल पहले की बात है, लेकिन आज के इस कंप्यूटर के दौर में, आज इंटरनेट और मोबाइल के दौर में, मॉडर्न एजुकेशन के दौर में, डायनामिक वर्ल्ड में, तो आज की दुनिया में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म से हो, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनका भी यही कहना है, हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन दैन द वर्ल्ड, कायनात की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, जिंदाबाद हजरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, शान नबी समात करें भाई। आप कभी कभी हफ्ते दो हफ्ते में सुभान अल्लाह कह दिया करें आप लोग, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये देखें आप, एक किताब है मेरे हाथ में जिसका नाम हिस्ट्री डी लाटोर की। लिखने वाले कौन है? अल्लामा नहीं है, मैं नहीं हूँ, कैसर भाई नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम क्रिश्चियन है। 1790 में रसूल पाक पर रिसर्च करता है और एक किताब लिखता है हिस्ट्री डी लाटोर की। नाम है अल्फोन डी ला मार्टिन। ये अल्लाह के रसूल पर रिसर्च करते हैं और क्या कहते हैं सुने आप। ये कहते हैं कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? जरा सुभान अल्लाह कह दो भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे बड़ा भी इंसान कामिल गुजरा है? No one can be greater than Muhammad, never, never, never। ये कहता है कि जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। गौर से सुनिए आप, जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। वो तीन चीजें क्या है सुने आप। इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड एस्टोनिशिंग रिजल्ट आर द थ्री ग्रेट एरिया ऑफ ह्यूमन जीनियस, हु कुड डेयर कंपेयर एनी ग्रेट मैन इन हिस्ट्री विद मोहम्मद। ये कहते हैं कि जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों पर किया जाता है। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। अजीम मकसद, पूरी दुनिया जलालत में, जहालत में डूबी हुई। आप जब तशरीफ लाए, एट दैट टाइम अरबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया जलालत में, जहालत में, गुमराही में डूबी हुई है। हर तरफ अंधेरा है, तारीकी है। उस तारीकी को उजाले में बदलना है। वाह 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 वाह, लह के बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीम मकसद, असबाब की कमी, असबाब की कमी, असबाब की कमी। टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है, पेट पे पत्थर है। वाह वाह वाह, जबरदस्त रिजल्ट। 11 साल में दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये तीन पैमाने हैं जिस पे लोगों को टेस्ट किया जाता है। वो कहता है तुम में से कौन है जो मोहम्मद अरबी से मुकाबला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता, और इतना ही नहीं है, आगे वो कहते हैं कि आज दुनिया में देखो, बगैर इंस्टाग्राम के, बगैर ट्विटर के, बगैर मोबाइल इंटरनेट के, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं वो किनके हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छा है, लह के बोलिए। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनको फॉलो किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका नाम लेकर लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका नाम लेकर लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, 24 घंटा जिनका नाम गूंजता रहता है, फैलता रहता है, पुकारा जाता है वो मोहम्मद अरबी है। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान किधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, जरा जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। लेकिन आप, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ और इसका तहजीब हो गया, हर लोगों ने सुभान अल्लाह। ये देखें आप नबी की अजमत देखें। हम अगर तारीफ करें, हमारे उलमाए किराम तारीफ करें, अल-फज़्लु मा शहिदत बिल आदा, बेशक बुजुर्गी फजीलत उसको कहते हैं जिस पर दुश्मन भी गवाही दे। ये देखें आप, गहमा गहमी है, जो जहां है वहीं रहे। ये ब्रिटिश म्यूजियम है, कहाँ है? मक्के शरीफ, मदीने में, इंडोनेशिया में, ब्रुनई में, टर्की में नहीं। ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटिश में है। थोड़ी आवाज सही कर दे भाई, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इको दे दो जरा सा, बस। ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है? ब्रिटिश में। ब्रिटिश में आप जब वहां जाएंगे तो देखेंगे मेन दरवाजे पर सफेद पत्थर से मेरे नबी का नाम मेन दरवाजे पे लिखा हुआ है। और किसने लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। मेरे नबी का नाम वहां पत्थर पे लिखा। और क्या लिखा है? सुने और झूमे। एक गैर मुस्लिम कहता है नबी मोहतरम पे रिसर्च करके, एज अ फादर, एज द टीचर, एज द लॉ गिवर, एज द लॉ मेकर, एज द रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, एज द मैसेंजर, एज द कमांडर, मोहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। बता रहा हूं, दुनिया को देखो, 2 लाख का चश्मा पहनने वाला, 10 लाख का सूट पहनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं सुपर। वाह 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 वाह, लहक के बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद, और लहक के बोले वाह वाह वाह। किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साल खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की माँ बना दे उसे कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। 600 करोड़ 1200 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे उसे कहते हैं जिंदाबाद। बोले बोले बोले, क्या बात है हजरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मचल जाइए, मेरे आका की तारीफ हो रही है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी को खाक में मिलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्के के दिन दुश्मनों को भी गले से लगा ले उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी की रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह। ये देखें आप, आज लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वोमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है, इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, दबी दबी, जैसे ये कुर्सी है। मीडिया वाले कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वोमेन, इस्लाम को पढ़ते नहीं हैं। चलो हमारी किताबें ना पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे तो पढ़ लेना जरूर, लेकिन कम से कम एक गैर मुस्लिमा है जिनका नाम है एनी बेसेंट, उनकी किताब है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी पाक पे रिसर्च करके किताब लिखती है 13 साल के बाद। इस किताब में वो क्या लिखती है तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये मीडिया वाले कहते हैं कि इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं। क्या आपने देखा कि किसी घर की भी औरतें, जैसे ये कुर्सी है, क्या इस तरह से हमारे घरों में छुप के रहती है? जैसे मैं छुप जाऊं, अरे बोलो ना, इस तरह छुप के रहती है क्या? कुछ दिनों पहले की बात है, मैं बाग डोगरा से सौरभ भाई मैं बाग डोगरा से निकला था दिल्ली के लिए। तो मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, वो मुझको एयरपोर्ट ही से पका रहा था। उसने कहा मौलाना आप तो कहते हैं औरतें ये हैं वो, देखिए ये औरत जो है दौड़ी, इस कदर दौड़ी कि दौड़ने में मर्दों को पीछे कर दी। मैंने कहा अच्छा बहुत तेज दौड़ती? बोला हाँ जी। और मर्दों को पीछे कर दी? बोले हाँ। मैंने कहा इसके बच्चे कितने हैं? कहा इसके बच्चे नहीं होते। मैंने कहा क्यों? कहा ये बेरहम है। मैंने कहा उर्दू मर गई, औरत और बेरहम। मैंने कहा क्यों? कहा इनके मसल्स टूट जाते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। मैंने कहा जेंडर तो दो होते हैं, एक मेल जेंडर एक फीमेल जेंडर, ये कौन जेंडर है? ये कॉमन जेंडर है क्या? ये कोई और चीज है जिसको जो है औरतों के लिबास में इस्लाम से हटोगी तो ऐसे ही फटोगी। लहक के बोलिए। तो इस तरह लोग अक्ल से काम लेते नहीं है इस्लाम में। ये देखें आप एनी बेसेंट अपनी किताब द टीचिंग ऑफ प्रॉफिट, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद में कहती है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। एनी बेसेंट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मद्रास 1932 पेज नंबर 4 में कहती है कि मैं कहती है it is impossible for anyone who studies the life and character of the great prophet of Arabia, who knows who he thought and how he lived, to feel anything but reverence for that mad prophet, one of the great messenger of the supreme. ये कहती है कि मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ लेगा उनका मुरीद हो जाएगा। और लहक के बोलो। अजीम रब का अजीम रसूल ये कहती है कि जब मैं हुकूके निस्वा पे काम कर रही हूँ पूरी दुनिया में, आई विल स्टडी क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलर, पारसी, मॉडर्न, शिंटू, कैलेटी, ट्यूटानी, तमाम मज़ाहिब को मैंने पढ़ा है। जितना इस्लाम ने औरतों को दिया वहाँ का उतना कहीं तसव्वुर भी नहीं। बेशक बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद के बोलिए। उतना कहीं तसव्वुर भी नहीं है, ये वो कह रही है। लेकिन आइए वो कहती, दुनिया वालों सुनो, Prophet Muhammad in Arab people used to bury alive dear female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more. वो कहती है पैगंबर कायनात तशरीफ नहीं लाए थे, लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। as soon as they were born, जैसे वो पैदा होती थी नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मजाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है सैयदवाड़ा वालों, सैयदवाड़ा वालों, ये आज कह रही है कि बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। बट मोर देन पैगंबर कायनात 1400 साल पहले इरशाद फरमा रहे हैं कि जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शोहर के घर जाती है वो दरिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतों को तो बहुत दूर रखो, वो तो बड़ी बड़ी भारी चीज है। बच्चियों को देखो, छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगम्बर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। है, मेरे मुस्तफ़ा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, ये एक यतीम बच्ची है, ये गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले। सिद्दीक़ आज़म ने चाहा कि हम ले ले, फारूक आज़म ने चाहा कि हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले ले, अली मुर्तज़ा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन नबी मोहतरम महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनो इस बच्चे को तुम ले लो। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उनके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं, क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान ना हुए थे, या रसूल अल्लाह इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या हबीब अल्लाह, यह आपकी आमद का सदका है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था। आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफ़ा, आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है, आपने सोसाइटी को बदल दिया है, अपने समाज को बदल दिया है। तो मुझे कहने दो, मुस्तफ़ा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी लेकिन अब मुस्कुरा रही है, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था मगर अब दस्ते शफकत है, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन 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 कह रहे थे, सरकार आ गए, सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ सैयदपाड़ा वालों, मुहम्मदाबाद वालों, आजमगढ़ वालों, उत्तर प्रदेश वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आज़ाद हुए हैं तो 12 रबीउल शरीफ के सुबह सादित वक्त जिसमें ही नहीं वल्लाह रूहें आज़ाद हुई हैं, बहुत अच्छा है, आत्माएं आज़ाद हुई हैं मुस्तफ़ा के सदक़े। इसलिए तो मैं कहता हूँ, जरा हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। एक एक शिरकत चाहता हूँ, बस 2-4 मिनट और मैं खड़ा रहूंगा। सब लोग हाथों को उठा के कह दीजिए या हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह। यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सब पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सब पैगंबर न मिलेगा। और एक शेर नौजवानों के नाम कि सोने का महल गरचे बना लो जहान में, सोने का महल, सोने का महल, हाँ सोने का महल गरचे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा। और इस कबीले का आखिरी शेर के तकवा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, हिंदल वली के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेजी के साथ फैलता जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, जनाबे अहमदुल फत्ताह साहब क़िबला, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस ये आखिरी है एक पैगाम। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के इस मुक़द्दस मौके से आप यहाँ जमा हुए हैं। आज हमारा नौजवान जो है सुन्नत नबी को छोड़कर पता नहीं किधर किधर फिर रहा है, मांगते फिरते हुआ गयार से मिट्टी के चिराग अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। आइए, एक क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देता हूँ। ये देखें आप गौर से, जितने हमारे नौजवान खड़े हैं वो इसे गौर से आप पढ़ें। और बस ये आखिरी है। Just a question, why Muslim man prohibited from wearing gold and silk? ये लोग किसी के बच्चे हैं कि बच्चे कुचे हैं? बेटा खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ भैया, इधर देख यार। Just a question, why Muslim man prohibited from wearing gold and silk? एक साहब ने कहा कि इस्लाम में मर्दों के लिए सोना रेशम पहनना जो है वो जायज़ नहीं है, हराम है, औरतों के लिए जायज़ है। सुनन इब्न माजा किताबुल लिबास बाब लबिसल हरीर व ज़हब लिन्निसा। पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर शरीफ पर जलवागर हुए और एक हाथ में रेशम के टुकड़े को पकड़ा और एक हाथ में सोने को, और इस तरह हाथ को उठाकर इरशाद फरमाते हैं, खातम मिन अल-ज़हब व हमल क़ितअत मिन अल-हरीर क़ाल हाज़ान हरामुन अला ज़ुकूरी उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए जो है हराम है और औरतों के लिए जायज़ है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन अवाम व ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। समहा लहु नबी अन यलबसल हरीर लिअन्नहु काना मरीदा बिहसासिया मिन कुल्लि नौइन मिन अल-क़िमाश फ़अअताहु नबी अर-रुख्सा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ व ज़ुबैर बिन अवाम को छोड़कर, क्योंकि आपको इन हर तरह के कपड़ों से आप लोगों को एलर्जी थी, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें रेशम पहनने की इजाज़त दी थी। ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, क्या समाप्त करें? जहाँ बानी अता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, लहक के बोलो, जरा बोल दो भाई, सुभान अल्लाह। देखिए आप, एक मुकम्मल टीम यहाँ पर है, हमारे जनाब अहमदुल फत्ताह माशाल्लाह, और सारे लोग आने वाले हैं। देखिए आप ताजुशरिया नबी की बारगाह में क्या पेश करते हैं, जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, जहाँ जन्नत हिबा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल जिसे जो चाहे अता कर दे। सही मुस्लिम की हदीस है। एक नौजवान और मस्जिद में दाखिल हुआ, गौर से देखें इसे आप। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की रिवायत है, एक नौजवान आया और मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। पैगंबर कायनात इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान क्या तू पसंद करेगा क़यामत के दिन तेरे हाथ में तेरी उंगली में आग की अंगूठी पहनाई जाए। उसने कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल नहीं। आपने फरमाया इसे उतार कर फेंक दो। उसने निकाला। ये है इताअत। ला के बोलिए सुभान अल्लाह। बाद में सहाबा कराम तशरीफ लाए, कहा नौजवान उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया कि फेंक दो। अल्लाह की कसम मैंने उठाऊंगा। आज हमारा नौजवान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उनको शादी ब्याह में दो चार 10-20 तोला चाहिए। हो सकता है वो बीमारियां ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारी जगहों में है लोग शादी करते तो डिमांड करते हैं हमें ये चाहिए, चैन चाहिए, तो सोने का बटन वगैरह वगैरह। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या फतवा है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग इट इज फॉरबिडन फॉर मैन सनैट टू वेयर एनी काइंड ऑफ मेटालिक ज्वेलरी। इट इज फॉरबिडन सच एन एक्सटेंड द इफेक्ट द पीरियड इफ एनी पीरियड परफॉर्म्स वेयरिंग सच प्रोहिबिटेड ज्वेलरी इट रिमेन्स वाजिबुल इआदा। इट मीन्स टू बी रिपीटेड। आज हमारा नौजवान अंगूठी के साथ साथ क्या क्या पहनता है उसको पता ही नहीं है, और अपनी इबादत को भी जो है वो खराब कर रहा है। वो कैसे देखें आप, हमारे बहुत से नौजवान इसे पहनते हैं। इसे गौर से देखो लड़को, छल्ला गुरु। उसके बाद कुछ लोग बम्बई दिल्ली जाते हैं सऊदिया कमाने, तो 2-4 तोला का ये पहन लेते हैं। कुछ लोग सोने की अंगूठी पहनते हैं, और कोई कुछ ना पहने। अगर बंबई में जरा 2-4 हजार बेचैनी हो रही है, क्या बात है, जिंदाबाद। आज के टाइम पे बहुत कमाओ डेली 40,000 और 5,000, बहुत बड़े हजरत हो गए हैं। अब अजान के टाइम में हजरत को बेचैनी नहीं है तो समझो हजरत नहीं, वो गीड़त बजड़त। कुछ काम नहीं देगा ये, ऐसे पैसे सब 2 मिनट में खत्म है। आग बंद सब। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह कह दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने तकरीर आप लोग। इतनी सी उम्र में मैंने भी बहुत कमा के रखा है, किसी की कोई हैसियत नहीं है। अब 1 महीना पहले मेरे सास ससुर बिल्कुल 58 और 60 साल के उम्र करके आए। रात में 1 बजे ससुर को साइलेंट अटैक आया और वो खत्म हो गया। उसको देख के मेरी सास भी गुजर गई आधे घंटे के अंदर। क्या है जिंदगी, किसी को बता नहीं पाया कहाँ पे क्या है कहाँ नहीं है। कुछ नहीं है दुनिया, 2 दिन की जिंदगी ऐसे तू संवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। जो जिंदगी मिली गनीमत समझो, ये नहीं कि अरे कल कर लेंगे, अभी कर, अभी कर। लहक के बोलो सुभान अल्लाह सुभान। तो ये क्या क्या पहन रहे हमारे लड़के, ये सब पहन रहे अपनी नमाजें, और जो हैं वो सब जाय कर रहे। अगर कोई पहना है तो तौबा करे उलमा इकराम से के सामने, इंशाल्लाह हाथों को उठाए, ना पहनेंगे ना किसी को पहनने देंगे। उठाओ इंशाल्लाह। जिसने फितने के दौर में एक सुन्नत को जिंदा किया, पहने हुए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स वाजिबुल इआदा टू बी रिपीटेड अगेन। आपकी नमाज नहीं हुई, मुफ्तियाने किराम तशरीफ रखते हैं, आप फिर से नमाज पढ़ेंगे। और नमाज कैसे पढ़ेंगे, इसको पहन के नहीं बल्कि इसको उतार कर। पूरी नमाजें आपकी गई। क्या बात है, ख्याल रख लो भैया। एक तो नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह तौफीक दे, जुमे को जाते हैं वो भी ये सब पहने रहते हैं, तो तौबा करें, तौबा करें। और बहुत से लोग सोचते हैं कि ये चांदी की अंगूठी पहन रहे हैं, वो भी सुन ले, ये चांदी की अंगूठी। ओनली 1 रिंग अलाउड फॉर मैन।